हेलो फ्रेंड्स हाउ यू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल सो यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड राइट कल हम उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो हमारी डिमांड के ऊपर क्या करते हैं इम्पैक्ट डालते हैं राइट right? तो हमने पढ़ा था पहला फैक्टर जो हमारी डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट डालता है दैट वाज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा फैक्टर जो कि डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट डालता है दैट वॉज रिलेटेड गुड्स राइट उसके बाद हमने पढ़ा था इनकम भी हमारे डिमांड के ऊपर क्या करती है इम्पैक्ट डालती है ओके okay? तो आ, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना नेक्स्ट राइट फैक्टर हमने फर्स्ट कर लिया था प्राइस ऑफ अ गुड सेकंड हमने कर लिया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ओके उसके बाद नेक्स्ट हमने करा था इनकम ऑफ कंज्यूमर उसके बाद फोर्थ फैक्टर हम आज करने जा रहे हैं Fourth factor that we are going to discuss today is taste and preferences of consumers. ओके टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स तो इसमें कुछ टर्म्स हैं पहले हम उन टर्म्स को लिखेंगे फिर हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं राइट सो वी आर गोइंग टू राइट दो उन टर्म्स का नाम है डेमोन्स्ट्रेशन या फिर बैंड वैगन इफेक्ट ठीक है पहला इंपॉर्टेंट टर्म तो वी विल पुट This in a box. उसके बाद तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किस शब्द से आया है डेमो जैसे आप बोलते हैं ना कि मुझे डेमो दिखा के डेमो देखना है प्रोडक्ट का राइट right? डेमो मतलब ट्रायल देखना है ठीक है तो जैसे आप टीवी खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं पहले भैया मुझे डेमो दिखा दो डेमो मतलब ट्रायल राइट right? तो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एक डेमो देखना कभी कभार क्या होता है कोई चीज मैं इसीलिए खरीदती हूँ क्यों क्योंकि मैंने वो किसी के घर पे देखी थी राइट तो वो कुछ परचेजेस ऐसी होती हैं जो मैं कैसे करती हूँ दूसरे लोगों को देख के करती हूँ राइट तो ऐसे परचेजेस को किस कैटेगरी में रखा जाता है डेमोन्स्ट्रेशन बिकॉज दे आर मेड अंडर दीज परचेजेस विच आर मेड ऑन सींग अदर कम अंडर विच इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन और बैन वैगन इफेक्ट ठीक है तो लिख लीजिए आप इसमें तो ये हो जाती है आपकी डेमो मतलब ऑन सीइंग अदर्स ओके तो लिख लीजिए परचेजेस मेड ऑन सीइंग अदर पर्सनस परचेजेस मतलब आपको यह लगता है कि अगर उसने खरीदा है तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता हूं राइट दैट इज इफ ही कैन परचेज इट इफ ही कैन परचेज देन आई टू कैन ओके तो यह तो था आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अगला होता है आपका स्नोब इफेक्ट स्नोब इफेक्ट तो ये स्नॉब इफेक्ट अगेन कुछ वैसा ही उसी से मिलता जुलता है स्नॉब इफेक्ट होता है जैसे कि इग्नोर जैसे अगर सपोज करो जो रिच क्लास पीपल होते हैं वो कोई पर्टिकुलर चीज इसीलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो चीज लोअर या मिडिल क्लास लोगों में बहुत पॉपुलर हो गई है तो मुझे वैसा ड्रेस नहीं खरीदना है मुझे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज चाहिए मुझे कुछ नया कुछ डिफरेंट ड्रेस चाहिए राइट तो उस चीज को हम बोलते हैं क्या स्नॉप इफेक्ट ठीक है तो अगर सब खरीद रहे हैं सैमसंग तो मुझे सैमसंग नहीं खरीदना क्यों क्योंकि वो एक कॉमन चीज हो गई है राइट मुझे थोड़ा अपर क्लास लगना है मुझे थोड़ा डिफरेंट लगना है तो मैं कोई और हायर महंगा ब्रांड का सामान खरीदूंगी राइट तो आई इसको हम बोलते हैं इग्नोर राइट तो बोलते हैं वी डोंट बाय Common things. We want to buy unique things. Okay. तो यहाँ पे हमने क्या किया? Ignore करा है हमने products च आर इन कॉमन यूज ठीक है जो कॉमन यूज में प्रोडक्ट आ रहे हैं हमने उन्हें इग्नोर करा क्योंकि हमें थोड़ा हटके लगना है ओके okay? तो एग्जाम्पल सैमसंग सबके पास है सैमसंग इसलिए आई डोंट वॉन्ट टू परचेज सैमसंग ओके उसके बाद अगला टर्म है हमारा वेबलिन इफेक्ट या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूं प्रेस्टीज गुड्स इफेक्ट तो जो ये वेबलिन इफेक्ट है ये किसने दिया एक अमेरिकन के एक अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट एक एक थे राइट थॉस्टिन वेबलिन ठीक है उन्होंने दिया था ये एक अमेरिका के इकोनॉमिस्ट है तो आप सिर्फ इनका लास्ट नेम ही याद रख लीजिए काफी है वेबलेन ने दिया ये इफेक्ट राइट इसकी थ्योरी उन्होंने लिखी है तो उन्होंने क्या बोला है कुछ कुछ चीजें हम इसलिए खरीदते हैं इसलिए नहीं खरीदते हैं कि वो जरूरी है नहीं हम इसीलिए खरीदते हैं कि क्योंकि उन चीजों को खरीद के मेरी क्या बढ़ रही है प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ रही है मैं सोसाइटी में लोग मुझे बड़ा आदमी कह के बुला रहे हैं इट इंक्रीज माय प्रेस्टीज ठीक है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मैं नेसेसिटी की वजह से परचेज नहीं कर रही हूं बट क्यों परचेज कर रही हूं बिकॉज इट इंक्रीजेस माई प्रेस्टीज तो इसमें कौन सी चीजें आती हैं थिंग्स विच इंक्रीज अवर प्रेस्टीज या फिर वैल्यू ठीक है तो फिर इसके नीचे आप लिख दीजिए कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन कॉन्सपीक्स कंजम्पशन इसका मतलब क्या हुआ इसमें इस कंजम्पन इस पे वो वाली चीजें आती हैं विच आर कंज्यूम्ड जस्ट फॉर शो ऑफ राइट टू शो केस वी इन्वेस्ट इन हाई वैल्यू आइटम ओके यहां पे उन कमोडिटीज को ज्यादा डिमांड किया जाता है जो महंगी हैं, राइट right? More of a commodity is demanded if it is costly. Okay. यहां पे गुड्स इसलिए नहीं खरीदे जाते हैं कि उनकी कुछ यूजफुलनेस है नहीं यहां पे गुड्स इसीलिए खरीदते खरीदे जाते हैं क्योंकि वो क्या कर रही हैं उनकी प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ा रही है राइट गुड्स आर परचेस्ड नॉट बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ यूजफुलनेस बट बट बिकॉज ऑफ प्रेस्टीज ठीक है तो ये तो था हमारा अगला फैक्टर तो हमने क्या देखा हम उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं विच अफेक्ट अवर डिमांड तो उसमें एक फैक्टर हमारा कौन सा आया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स राइट टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स तो हमने क्या देखा Uh, जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो किस तो मेरे दिमाग में क्या आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब किन कौन कौन सी चीज़ें मेरे दिमाग में आ सकती हैं जब भी मैं कोई चीज़ डिमांड करने जाऊं कोई चीज़ खरीदने जाऊं पहला आ सकता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट राइट सपोज करो मैं टीवी लेने गई तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार बगल वालों के यहाँ तो बहुत ही पचपन इंच का टीवी लगा है साठ इंच का टीवी लगा है तो मुझे भी वही टीवी खरीदना है तो इसका मतलब अब आपकी डिमांड इन्फ्लुएंस हो जाएगी कैसे इन्फ्लुएंस हुई है वो दूसरे वाले को के, सामने वाले को देख के इसका मतलब वो क्या है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मेरी डिमांड किस वजह से इफेक्ट हुई है ड्यू टू डिमोन्स्ट्रेशन और बैन इफेक्ट ठीक है अगला है स्नॉब इफेक्ट कई बार मैं कोई चीज इसीलिए खरीदती हूं आ, मैं महंगा फोन इसीलिए खरीद रही हूँ क्यों क्योंकि महंगा फोन सब में कॉमन नहीं है मैं जो सस्ती चीजें हैं उनको इग्नोर कर रही हूँ क्यों क्योंकि दे आर कॉमनली यूज्ड राइट हर किसी के पास सैमसंग है इसीलिए आई एम नॉट परचेजिंग इट तो मैंने क्या देखा यहाँ पे मैंने एप्पल की डिमांड क्यों करी क्योंकि इंक्रीजेज माई प्रेस्टीज राइट या फिर उससे मैं एक हाई क्लास लगूंगी राइट right? इसीलिए मैंने क्या करा लो चीजों को इग्नोर करा तो मैंने क्या देखा Apple की, Apple के आईफोन की डिमांड क्यों करी मैंने क्योंकि ड्यू टू स्नोप इफेक्ट अगला है वेबलेन इफेक्ट कुछ कुछ चीजें तो मैं इसीलिए खरीदती हूं तो मैंने क्या देखा मेरी डिमांड चेंज हो रही है किस वजह से चेंज हो रही है ड्यू टू वेबलेन इफेक्ट मैं इसीलिए खरीद रही हूं उन चीजों को क्योंकि उनकी आवश्यकता वैसे नहीं है उनकी जरूरत मेरे को नहीं है बट बिकॉज दे अगर मैं एक बड़ी गाड़ी में घूमूँ तो लोग मेरे को एक बिल्कुल, एक तशन, एक बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर राइट तो एक टशनबाजी लगती है राइट तो वो चीजें मेरी प्रेस्टीज वैल्यू इंक्रीज कर रही है दैट्स वाई आई एम परचेजिंग दोज थिंग्स इसका मतलब मेरी परचेजेस किस वजह से इफेक्ट हुई है ड्यू टू वेबलेन इफेक्ट तो हमने देखा जब भी मैं कोई चीज डिमांड करती हूं तो इट इज इफेक्टेड बाय टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर राइट कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पन मतलब जो फालतू का कंजम्पशन होता है शो ऑफ कर वाला कंजम्पशन होता है उसको मैं कॉन्सपिक्यूस कंजम्प्शन बोलती हूँ मैं हाई वैल्यू की चीज़ों पर एक पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ और अब चीज चीज जितनी ज़्यादा महंगी हो मैं उस चीज़ की डिमांड उतनी ज़्यादा कर रही हूँ क्यों क्योंकि अगर मैं बहुत महंगी चीज़ें खरीदूंगी तो एक इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर कि देखो भाई इतना महंगा हो रहा है डायमंड फिर भी ये लोग डायमंड खरीद रहे हैं और उससे मेरे को क्या मिल रहा है एक प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ रही है मेरी राइट तो डायमंड वैसे कोई यूजफुलनेस नहीं है डायमंड की राइट right ना भी हो तो भी चलेगा बट अगर हो तो वो मेरी प्रेस्टेज वैल्यू पे और चार चांद लगा रहा है इसीलिए आई एम परचेजिंग चल रहे हैं उसके बावजूद भी आई एम परचेजिंग डायमंड तो दिस परचेज इज नोन एज कॉन्स्पिक्यूस कंजम्पशन ओके सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फैक्टर दूसरा फैक्टर जो कि डिमांड uh, को इफेक्ट करता है वो है आपका So दिस विल बी अवर पॉइंट नंबर फाइव कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन राइट कंज्यूमर्स expectations. ठीक है तो इसमें हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशंस पहले आप लिख लीजिए तब आपको ये पता चल पाएगा कि हाउ दिस फैक्टर इफेक्ट माई डिमांड तो इसमें एक्सपेक्टेश कौन से expectations की बात कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर लाइक फ्यूचर के रिगार्डिंग मैं कुछ एक्सपेक्टेशं रख रही हूं जैसे कि हो सकता है फ्यूचर में लड़ाई हो जाए लाइक वॉर प्राइस बढ़ जाए या फिर प्राइस फॉल हो जाए ओके okay? ठीक है सपोज इन फ्यूचर ठीक है अगर मुझे लगता है सपोज इन फ्यूचर आई थिंक कि प्राइसेस क्या होंगे गिरेंगे ओके तो मैं क्या करूंगी आई विल तो मैं आज क्यों खरीदूं फिर मैं क्या करूंगी तो मैंने आज की डिमांड क्या कर दिया कम कर दिया ना तो हमने देखा ना डिमांड पे इंपैक्ट पड़ा क्यों किस वजह से पड़ा क्योंकि कंज्यूमर ने क्या एक्सपेक्ट करा था कि फ्यूचर में इस चीज के प्राइस और गिरने वाले हैं तो अभी क्यों खरीदूं बाद में ही खरीद लूंगी राइट तो आई विल Postpon my current purchases and will purchase that commodity. इन फ्यूचर ठीक है वेन प्राइजेस आर लो तो मैंने क्या देखा मेरी करंट डिमांड किस वजह से कम हो गई किस वजह से करंट डिमांड के ऊपर इंपैक्ट पड़ा क्योंकि मेरी फ्यूचर के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन थी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि फ्यूचर में प्राइसेस क्या हो जाएंगे गिर जाएंगे राइट right? तो उस वजह से मेरी करंट डिमांड क्या हो गई कम तो मैंने क्या देखा डिमांड के ऊपर किस चीज का असर आया फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का ठीक है दूसरा एग्जाम्पल सपोज इन फ्यूचर मुझे लगता है आई थिंक वॉर मुझे लगता है लड़ाई होने वाली है वॉर विल टेक प्लेस ठीक है तो अब आपको पता है अगर लड़ाई हो जाती है तो ट्रेड बंद हो जाता है राइट सरकार दूसरी कंट्री से सामान खरीदना बंद कर देती है दुश्मन कंट्री से इंपोर्ट वगैरह नहीं किया जाएगा सामान ठीक है तो क्या हो जाएगा जब इंपोर्ट नहीं होगा तो चीजें क्या हो जाएंगी शॉर्ट इंडिया में शॉर्टेज पड़ने लग जाएगी चीजों की और जब चीजों की शॉर्टेज पड़ती है तो क्या बढ़ जाती है महंगाई तो महंगाई क्या हो जाती है बढ़ जाती है ठीक है तो बेटर ऑफ है कि मैं तब फालतू तो में रोती रहूँ कि मेरे पास ये चीज नहीं है वो चीज़ नहीं है तो बेटर ऑफ है कि मैं आज ही स्टॉक करके रख लूं जैसे लोग करते हैं ना पैनिक बाइंग राइट आज ही लोग क्या करेंगे काफी सारा राशन पानी खरीद के गोडाउन में संभाल देंगे भले ही आज के डेट में प्राइस ज्यादा हैं, उसके बावजूद भी मैं खूब सारी चीजें आज ही खरीद लूंगी क्यों क्योंकि मुझे लग रहा है फ्यूचर में क्या होने वाला है वॉर होने वाला है राइट तो एक एक्सपेक्टेशन थी वॉर की उसने क्या करा मेरी करंट डिमांड को क्या कर दिया है बढ़ा दिया है ओके तो टूडे इंस्पाइट इंस्पाइट ऑफ हाई प्राइस हाई प्राइस के बावजूद क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी विल इंक्रीज ठीक है इसके बाद तो ये देख लिया हमने कंज्यूमर एक्सपेक्ट करंट डिमांड किस वजह से भी इफेक्ट होती है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी करंट डिमांड पे फर्क पड़ेगा ओके तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज उसके बाद हमारा फैक्टर है अगला सिक्स फैक्टर अदर फैक्टर्स कई सारे और फैक्टर्स हैं वैसे तो हमने कई सारे डिस्कस कर लिए हैं बट कई सारे और छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो कि मेरी डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालेंगे राइट तो पॉपुलेशन साइज हायर द पॉपुलेशन साइज हायर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड अगर मेरी पॉपुलेशन हाई है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होगी ऑब्वियसली जितने ज्यादा लोग होंगे तो उतने ज्यादा चीजें भी तो डिमांड होंगी राइट right? अगर पॉपुलेशन का कंपोजिशन देखें कंपोजिशन का मतलब क्या होता है अब पॉपुलेशन में अलग अलग टाइप के लोग हैं छोटे बच्चे हैं यंग लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं ओल्ड ओल्ड एज लोग राइट तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन में कौन कौन लोग हैं ओल्ड भी हैं बच्चे भी हैं राइट और यंग भी हैं राइट तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब कितने प्रकार के लोग उस पॉपुलेशन में हैं राइट तो दिस पॉपुलेशन कम्पोज ऑफ टोटल छोटे बच्चे हैं इन्फेंट्स हैं यंग पीपल हैं ओल्ड पीपल हैं, राइट तो उस वजह से भी डिमांड इंपैक्ट होती है अगर ओल्ड लोग हैं तो किन चीजों की डिमांड वहां पे होगी स्टिक्स की चश्मों की स्पेक्स की और अगर वहां पे छोटे बच्चे हैं तो टॉयज की टॉफी की कि डिमांड वहां पे ज्यादा रहेगी ठीक है तो हमने देखा डिमांड किस वजह से भी इफेक्ट करी है एज पर द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन अगर ओल्ड लोग हैं तो स्ट्रिक्स एंड स्पेक्स और अगर छोटे बच्चे हैं तो टॉफीज एंड टॉयज ओके ठीक है और अगला फैक्टर क्या है इट कैन बी लेवल ऑफ नेशनल इनकम उस कंट्री के लोगों की इनकम क्या है ठीक है लेवल ऑफ नेशनल इनकम और किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब अमीर कैटेगरी ज्यादा है या मिडिल क्लास है या पुअर स्ट्राटा है ठीक है तो जनरली क्या देखा गया है जिस कंट्री की नेशनल इनकम जितनी हाई होगी उस कंट्री भाई जितना ज्यादा इनकम आप अर्न कर रहे होंगे उतनी ज्यादा परचेजेस आप करेंगे तो नेचुरली योर डिमांड डिमांड विल बी हाई ठीक है तो पहला पॉइंट अगला पॉइंट और अगर इफ अगर इनकम अन ईवन डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब कई कई लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा है कई कई लोगों के पास बहुत ही जो बहुत सारे लोग क्या है वो गरीब है जैसे कि इंडिया में मेजोरिटी जो इंडिया का 90 परसेंट जो पैसा है वो किसके पास है अंबानी के पास राइट और जो 10 परसेंट पैसा है वो हम सब पूरी जनता के पास है राइट तो ये क्या है अन क्या है रिसोर्सेस uh, का बंटवारा राइट अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम राइट तो हम क्या देखेंगे कुछ लोग कम बहुत ही कम लोग रिच हैं बाकी काफी सारे पुअर हैं ठीक है और रिच लोगों की पीटीसी इज लेस पुअर की पीटीसी इज हाई अब ये पीटीसी क्या है इसको मैं डिस्कस कर देती हूं पीटीसी का मतलब होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करने की क्षमता राइट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसकी डेफिनेशन होगी द प्रोपोर्शन, द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम द प्रोपोर्शन Of total income or of an increase in income that consumers tend to. spend on goods and services rather than to save ठीक अगर मैं poor और rich की बात करूँ right तो poor's गरीब लोगों की जो प्रोपेंसिटी होती है टू कंज्यूम इज हाई और अगर मैं रिच की बात करूं तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कंज्यूम करने की क्षमता आप कितना पैसा खर्च करते हो अब तो मैंने क्या लिखा कि पुअर की प्रोपेंसिटी टू तो कंज्यूम इज हाई आप बोलेंगे मैम पुअर की कंजम्पशन की क्षमता हाई कैसे है ज्यादा कैसे है रिच की लोग कैसे दिखा रहे हैं एक एग्जाम्पल देखिए एक पुअर है एक रिच है पहले कमा रहा था पांच हजार रुपए एंड ही वॉज स्पेंडिंग कितने रुपए खर्च कर रहा था फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज वो खर्च कर रहा था एंड फाइव हंड्रेड रुपीज वो सेव कर रहा था ठीक है तो ही वॉज सेविंग वेरी लेस अमाउंट ठीक है अब एक रिच है उसकी इनकम थी सपोज करो एक डेढ़ लाख वो खर्च कर रहा है एक लाख पचास हजार वो सेव कर रहा है अब दोनों की इनकम बढ़ी इस पुअर आदमी की इनकम पहले पांच हजार थी जो कि अब बढ़ के हो गई है पंद्रह हजार और इस रिच आदमी की भी इनकम जो पहले डेढ़ लाख थी वो अब हो गई है दो लाख आप देखते हैं आप खर्चा कैसे बदलेगा अब देखो एक गरीब आदमी है उसकी जरूरतें भी बहुत सारी हैं राइट गरीब जो जो पुअर लोग होते हैं लेबर वगैरह फैमिलीज भी इतनी बड़ी हैं राइट तो अभी भी ना वो ज्यादा बचत नहीं कर पाएंगे राइट चौदह हजार तक अभी भी उनका क्या हो जाएगा खर्चा हो जाएगा और अल्टीमेटली वो कितना बचा पाएगा हजार रुपए ही मुश्किल से और अगर क्योंकि देखो ना उसकी इनकम बढ़ गई तो कई सारी चीजें ऐसी थी जो उसने अभी तक क्या खरीदी नहीं थी तो वो उन चीजों को भी तो खरीदेगा राइट तो हमने क्या देखा अभी भी वो कम बचत कर पा रहा है बल्कि एक रिच इंसान है उसके पास तो पहले ही सब कुछ था तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा और कर लेगा चलो दस हजार और खर्च कर लिए ठीक है एक लाख बीस हजार इसने स्पेंड कर लिए अभी भी वो कितना बचा पा रहा है अस्सी हजार रुपए अभी भी क्या कर पा रहा है सेव तो हमने क्या देखा किसकी प्रोपेंसिटी टू तो कंज्यूम हाई है ये पुअर आदमी आप परसेंटेज निकालेंगे राइट इसकी जितना ये खर्च कर रहा है राइट चौदह हजार पंद्रह हजार का कितना बनेगा राइट right? तो ये लगभग नाइनटी परसेंट से ऊपर ही बनेगा ओके okay? तो ये हमने क्या देखा पुअर पर्सन की जो परसेंटेज खर्चा है इनकम का वो ज्यादा है राइट इन कंपैरिजन टू रिच पर्सन तो हमने क्या बोला पुअर पीपल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हाई तो वही हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम और ऑफन तो प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम मतलब ओरिजिनल इनकम का भी प्रोपोर्शन निकाल दिया और ऑफन इंक्रीज इन इनकम अगर इनकम बढ़ी थी तब भी हमने प्रोपोर्शन निकाला तो पुअर आदमी का ज्यादा प्रोपोर्शन खर्चे का बैठ रहा था राइट दैट कंज़्यूमर्स टेंड टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रादर दैन टू सेव ठीक है तो हमने क्या देखा अदर फैक्टर्स जो कि हमारे डिमांड को इफेक्ट करते थे पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन कंपोजिशन लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसी है राइट right? अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है इनकम रिच है पुअर है तो पुअर लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या देखी जाती है हाई देखी जाती है राइट right? उसके बाद अगला फैक्टर जो था अदर uh, फैक्टर्स में दैट वॉज Consumer Credit Facility Right Yafir interest rates and interest rates. कैसे कैसे ये चीजें करती हैं है, 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 डाउन पेमेंट देके चले जाओ बाकी पेमेंट आप किश्तों में करते रहना इसका मतलब मुझे सुविधा मिल गई है ना राइट मुझे क्रेडिट फैसिलिटी मिल चुकी है तो अब मेरी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी हाई तो मैं सोचूंगी अच्छा क्रेडिट पर सामान मिल रहा है तो चलो फ्रिज लेने आए थे तो चलो टीवी भी ले चलते हैं एसी भी ले चलते हैं धीरे धीरे पेमेंट करते रहेंगे क्या फर्क पड़ता है ओके okay? तो अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज मिल रही हैं तो हमारी डिमांड क्या होंगी ज्यादा होंगी ओके okay? तो हमने क्या देखा अगर क्रेडिट फैसिलिटी है अगर लोन की सुविधा है अगर आपको लोन की सुविधा मिल रही है देन क्वांटिटी डिमांडेड इज हाई ठीक है इसके बाद हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर का तो फटाफट आप मेरे साथ रिकैप करिए हमने पढ़ा था डिमांड दि, के रिगार्डिंग अगर हमने पढ़ा था अगर मेरे पास विश है जैसे कि एक बेगर है खाना खाना उसकी विश है बट उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे तो वो क्या बन जाता था डिजायर ओके अगर मेरे पास विश है प्लस पैसा भी है बट मैं उस पैसे को अब उस चीज में खर्च नहीं करना चाहती हूं मैं स्वेटर लेना चाहती हूं जैसे कि हमने किया था तो दिस विल बी द केस ऑफ वांट तीसरा केस विश भी है रिसोर्सेस भी है प्लस विलिंगनेस भी है यहां पे विलिंगनेस नहीं थी ना यहां पे विलिंगनेस भी है ठीक है तो ये वाला केस मेरा बन जाएगा इफेक्टिव डिमांड ठीक है फिर हमने पढ़ा था आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है इट इज विद रिस्पेक्ट टू अ प्राइस पहले प्राइस होगा तभी तो मैं बता पाऊंगी कि कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहती हूं मैं राइट right? एंड दूसरा पीरियड ऑफ टाइम मुझे टाइम पीरियड भी मेंशन करना पड़ेगा तो डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट आई विल हैव टू मेंशन द टाइम पीरियड कि मुझे वीकली चाहिए मंथली चाहिए राइट right, क्वार्टरली चाहिए ओके okay? तो हमने क्या देखा डिमांड की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी बुक में डिमांड किस चीज की की जाती है गुड्स और सर्विसेज की एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ओके फिर हमने पढ़े थे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो मेरी डिमांड को इफेक्ट करते हैं राइट right? सबसे पहला फैक्टर था प्राइस प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है डाउन आ जाती है ठीक है उसके बाद हमने पढ़ा था इनकम इनकम में मैंने पढ़ा था अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी कम आ जाएगी दूसरा केस अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो लग्जरी गुड्स की डिमांड हाई हो जाएगी अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स जो मैं कपड़े जूते वगैरह खरीदती हूं उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो नेसेसिटी गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ठीक है तो हमने देखा कई सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डिमांड को पहला था प्राइस अगला था इनकम उसके बाद अगला फैक्टर था आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमने आज ही पढ़ा उसमें तीन टाइप की चीजें आती हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट स्नॉब इफेक्ट वेबलेन गुड्स उसके बाद हमने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने क्या पढ़े थे दो टाइप के गुड्स होते हैं आपके एक होता है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक होता है मेरा सब्सिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं जैसे कि कार एंड पेट्रोल अगर कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे अगर कार के प्राइस बढ़ते हैं तो कार कम बेची जाएंगी एज अ रिजल्ट पेट्रोल की डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी डाउन आ जाएगी तो कैसा रिलेशन था यहां पे एरोस के डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन अगर मैं सब्सिट्यूट गुड्स की बात करूं जो एक दूसरे को सब्सिट्यूट करते हैं जैसे कि टी एंड कॉफी तो अगर टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं आई विल स्टार्ट परचेजिंग कॉफी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी तो कैसा रिलेशन देखा हमने सब्सिट्यूट गुड्स के, के केस में पॉजिटिव ओके okay? तो अब हम एक बार जरा बुक में आ जाते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमने कर लिया था इनकम ऑफ द कंज्यूमर हमने कर लिया था सो टूडे वी स्टार्टेड विद द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स तो हमने क्या देखा किसी भी चीज की जो डिमांड है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर ऑफ कंज्यूमर्स राइट राइट right, जो गुड्स मॉडर्न है उनकी डिमांड ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑब्वियसली आप जब मार्केट में चीजें परचेज करने जाएंगे तो ओल्ड फैशन की थोड़ी ना खरीदेंगे न्यू फैशन की खरीदेंगे ठीक है और आपके घर पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था अच्छा चल रहा था पर चेंज तो किया ना लोगों ने क्यों क्योंकि क्या आ गए नए एलसीडी और एलईडी टीवी आ गए हैं राइट right? तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब मैंने नया टीवी बड़ा टीवी इसलिए खरीदा क्यों दूसरे को देख के भाई सिंह अपने दोस्त के घर पे देख के पड़ोसी के घर पे देख के ठीक है तो लगता है कि जब वो अफोर्ड कर सकता है तो मैं क्यों नहीं ओके उसी प्रकार से कुछ चीजें वो होती हैं जो मैं क्यों कंज्यूम करती हैं हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरी प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ रही है जैसे कि शराब मे को सब पी रहे हैं तो मुझे लगता है शराब पी के हाई क्लास लगता है राइट तो ये स्नोब इफेक्ट है राइट तो स्नॉप इफेक्ट में वाली चीजें आती हैं जो कि क्यों खरीदती हूँ मैं क्योंकि उससे प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ रही है ठीक है वेबलिन इफेक्ट क्या था वेबलिन इफेक्ट मतलब वही कुछ चीजें ऐसी होती हैं विचार यही चीजें विच आर नॉट परचेज ड्यू टू नेसेसिटी बट ड्यू टू बिकॉज दे इंक्रीज माय प्रेस्टीज वैल्यू कॉन्स्फिक्यूस कंजम्पशन हमने आपको समझाया था ओके okay, फिर हमने पढ़ा था आपका कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर के रिगार्डिंग फ्यूचर के प्राइस हो सकता है आपको लग रहा है फ्यूचर में मेरी इनकम गिरने वाली है तो आप आज ही आज की डेट पे ही कई सारा सामान खरीद के रख लोगे राइट या फिर उल्टा भी हो सकता है आप सोचोगे कि यार फ्यूचर में इनकम गिरने वाली है तो आज की डेट में मुझे पैसा सेव करना चाहिए तो तुम्हारी डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ओके okay? या फिर तुम्हें लग रहा है फ्यूचर में सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी तो आप आज की डेट में ही डिमांड क्या कर दोगे बढ़ा दोगे अपने पास काफी सारा स्टॉक जमा करके रख लोगे ठीक है तो कई अदर फैक्टर्स में कई सारी और चीजें आती हैं जैसे कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन जितना बड़ी पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा क्या होगी डिमांड होगी ग्रेटर इज द डिमांड कंपोजिशन अगर ज्यादा ओल्ड एज लोग हैं तो स्पेक्स की डिमांड रहेगी और अगर बच्चे हैं तो फिर टॉय टॉयज बेबी फूड टॉफी फिर नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज तो जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा जिस कंट्री की नेशनल इनकम होगी उतनी ज्यादा ही क्या होगी प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी वहां पे ठीक है और अगर वेल्थ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत ही मतलब रिच लोगों के पास 90 परसेंट ऑफ द वेल्थ है और पुअर लोगों के पास टेन परसेंट ऑफ द वेल्थ पूरी कंट्री के पास टेन परसेंट ऑफ द वेल्थ है और एक दो अमीर लोग हैं जिनके पास कंट्री का नाइनटी परसेंट ऑफ द वेल्थ है तो ऐसे में क्या देखा जाएगा वही द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द कंट्री विल बी रिलेटिवली लेस बिकॉज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द रिच पीपल इज लेस दैन दैट ऑफ द पुअर पीपल तो हमने क्या देखा uh, क्या रिच की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो कम है पुअर की ज्यादा है बट पुअर के पास पैसा ही नहीं है तो कहां से खरीदेगा वो चीजें राइट इसीलिए डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर गुड्स मतलब कौन सी चीजें नहीं खरीदेगा गरीब आदमी कंज्यूमर गुड्स जैसे कि एक्सपेंसिव टीवीज या फिर कंज्यूमर गुड्स मतलब जो महंगे गुड्स होते हैं सालों साल चलते हैं फ्रिज एसीज राइट वो सब नहीं खरीदेगा एक गरीब आदमी के okay, वो राशन रूशन पे उसका पैसा सारा ही खर्च हो जाएगा तो ही वोट हैव द रिसोर्सेज टू बाय दीज कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी राइट क्रेडिट फैसिलिटी के वजह से भी डिमांड के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कई सारी चीज़ें वैसे बहुत महंगी होती है मुझे एसी लगवाना है चालीस हज़ार रुपए का एसी है बट अगर पूरे पैसे देने पड़े तो मैं नहीं लगवा पाऊंगी बट क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध है थोड़ा सा पांच सात हज़ार रुपये डाउन पेमेंट दे दो तो बाकी का पैसा किश्तों में देते रहेंगे राइट right, तो ऐसे से क्या होगा क्या होगा लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है राइट right? तो उनकी परचेजिंग वो क्या हो जाएगी उनके परचेजेस बढ़ जाएंगी क्यों क्योंकि बैंक उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके अलावा कई सारी चीजें और हैं जो हमारे डिमांड को इफेक्ट करती है जैसे कि टैक्सेस एंड सब्सिडीज वही है अगर टैक्स ज्यादा होंगे राइट right? तो चीजें ज्यादा महंगी होंगी राइट एंड एज अ रिजल्ट डिमांड क्या होगी कम अगर सरकार सब्सिडी दे रही है सब्सिडी मतलब छूट राइट uh, मैन्युफैक्चरर right? को छूट मिल रही है कि बीस रुपए का सामान बनाया चलो पांच रुपए हमारी तरफ से ले लो तो मैन्युफैक्चरर को कितना सामान पड़ा पंद्रह का सामान पड़ा ना तो जब सस्ता सस्ता सामान होगा तो मार्केट में उस चीज की डिमांड क्या होगी ज्यादा होगी ओके बिजनेस कंडीशंस कैसी है अगर मंदा चल रहा है जैसे कि डिप्रेशन चल रहा है रिसेशन चल रहा है राइट right? तो फिर मैन्यूफैक्चर सब मैन्यूफैक्चरिंग नहीं करेंगे एंड एज अ रिजल्ट अब लोगों के पास भी पैसा खत्म हो जाएगा राइट right? रिसेशन में यही तो होता है जॉब नहीं है लोगों के पास पैसा कम है तो जब पैसा कम है तो चीजें कहां से खरीदोगे तो रिसेशन के टाइम में ऑटोमेटिकली हमारा जो डिमांड है वो कम हो जाती है लेवल ऑफ एजुकेशन राइट वो भी डिटर्मिन करता है आपके परचेजेस अगर आप एजुकेटेड हो तो आप किन चीजों पर पैसा खर्च करोगे किस टाइप के बुक्स पढ़ोगे आप रीडर डाइजेस्ट पढ़ोगे यू विल आप इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ोगे राइट और अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो आप अनएकेटेड uh, या फिर कम पढ़े लिखे हैं तो आपके परचेजेस अलग टाइप की होंगी मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हैं या शादीशुदा हैं सिंगल हैं तो आप अपने पे ही सारा खर्च करेंगे मैरिटल है तो अपनी बीवी के लिए भी खरीदेंगे बच्चों के लिए भी खरीदेंगे राइट वेदर कंडीशंस कैसी है अगर आप किसी ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पे बारिश बहुत होती है वहां पे किस चीज की डिमांड होगी छातों की रेन कोट्स की ओके तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मेरी डिमांड क्या होती है इफेक्ट होती है ओके okay. तो समरी ओके okay. आई डोंट हैव द क्वेश्चन टूडे ठीक है थोड़े से क्वेश्चन हम कल करेंगे आप कोशिश करते रहिए कि आप पीछे जो आपके वो हैं क्या आ, ये मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन है आप उन्हें सॉल्व करते रहिए राइट ताकि आपका ये कवर होता रहे ठीक है तो दैट सॉल्व फॉर टुडेज क्लास थैंक यू बाय है गुड डे